मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मैथ्स पीरियड। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 11, टाइम। देखिए चैप्टर नंबर 11, टाइम, द 12 आवर्स क्लॉक। ठीक है, क्लॉक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लॉक, आपने घड़ी देखी है, ठीक है, ये एक वॉच है, वो एक वॉल क्लॉक लगा लो, या ये तो अलार्म क्लॉक है, घर में वॉल क्लॉक होती है, ठीक है, उसकी उसी को माइंड में रखेंगे आज और हम ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे आज। 12 आवर्स क्लॉक क्या होती है? इन 12 आवर्स क्लॉक सिस्टम द डे इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। जो 12 आवर क्लॉक सिस्टम होता है उसमें डे को 2 पीरियड में डिवाइड किया जाता है। 12 आवर क्लॉक सिस्टम में डे को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट 12 आवर्स का होता है और दूसरे वाला पार्ट भी कितने आवर्स का होता है? 12 आवर्स का। द फर्स्ट पीरियड इज़ फ्रॉम, देखो 2 पार्ट्स में हो गया, मतलब 2 पीरियड्स में, तो फर्स्ट पीरियड कौन सा होगा? द फर्स्ट पीरियड फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 नून। 12 मिडनाइट, जब 12 o'clock होते हैं, आप अपने फ़ोन में देखना रात को, हम 12 o'clock के कई बार बर्थडे मनाने सेलिब्रेट कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे होता है और बर्थडे फिर भी, तो 12 मिडनाइट के बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, तो AM आ जाता है। फ़ोन में भी कई बार देखना तो वो क्या बन जाता है? AM, ठीक है। 12 मिडनाइट टू 12 नून, 12 AM टू 12 नून, ठीक है। नून के लिए PM यूज़ होता है और मॉर्निंग के लिए AM यूज़ होता है। इट इज़ कोल्ड एंटी मेरिडियन, इसको क्या कहते हैं? एंटी मेरिडियन बिफोर मिड डे। क्या कहते हैं? एंटी मेरिडियन बिफोर मीन्स पहले मिड डे, मतलब दोपहर से पहले वाला। एंड इट राइट एज AM इन शॉर्ट फॉर्म, एंटी मेरिडियन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो होते हैं AM, ठीक है। आप कहीं भी देखोगे फ़ोन में या स्टेशन पे आप लोग देखते हो, वहाँ पे AM PM यूज़ होता है। AM होता है एंटी मेरिडियन और PM होता है पोस्ट मेरिडियन। AM होता है एंटी मेरिडियन, PM होता है पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। सो 6 AM मीन्स, 6 AM का मतलब क्या होता है? AM किसके लिए यूज़ होता है? मॉर्निंग टाइम के लिए। तो 6 AM मीन्स होता है 6 o'clock इन द मॉर्निंग। 6 AM का मतलब होता है 6 o'clock इन द मॉर्निंग। 6 AM का मतलब है 6 o'clock इन द मॉर्निंग। द सेकेंड पीरियड इज, सेकेंड पीरियड क्या होता है? 12 नून टू 12 मिडनाइट, 12 नून टू 12 मिडनाइट। देखो फर्स्ट पीरियड क्या था? फर्स्ट पीरियड 12 मिडनाइट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मिडनाइट के बाद AM स्टार्ट हो जाता है और 12 नून तक था, ठीक है, वो सारा AM वाला रह गया। अब सेकेंड वाला कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ पे फर्स्ट वाला ख़त्म हुआ है, कहाँ ख़त्म हुआ है? 12 नून पे। तो नेक्स्ट कहाँ स्टार्ट हो जाएगा? 12 नून टू 12 मिडनाइट। कैसे हो जाएगा? 12 नून टू 12 मिडनाइट। पहला होता है 12 मिडनाइट टू 12 नून और सेकेंड होता है 12 नून टू 12 मिडनाइट, ठीक है। इट इज़ कोल्ड पोस्ट मेरिडियन, इसको पोस्ट मेरिडियन कहते हैं, मतलब आफ्टर मिड डे। ये बिफोर मिड डे के पहले, मतलब दोपहर से पहले, ये दोपहर के बाद। एंड इट इज़ रिटन एज PM, और इसको कैसे लिखते हैं? PM, PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। सो 6 PM मीन्स होता है 6 o'clock एट इवनिंग। 6 PM का मतलब होता है 6 o'clock एट इवनिंग। नून एंड मिडनाइट डिवाइड द 2 पीरियड्स, नून और मिडनाइट को 2 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है एंड देयरफॉर बिलोंग टू नेदर, ठीक है। सो वी डू नॉट राइट AM और PM विद देम। नून और मिडनाइट को डिवाइड किया जाता है 2 पीरियड में, तो हम उनके साथ ना तो AM लिखते हैं ना PM, जस्ट नून एंड मिडनाइट और 12, तो हम सिर्फ जैसे लिखते हैं 12 नून एंड 12 मिडनाइट। जो 12 पार्ट होता है वो उसको कह रहा है, वो 12 और नून, मतलब मींस नून और मिडनाइट को 2 पार्ट में। देखो यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12, मतलब 12 मिडनाइट है, 12 नून है, 12 नून है, 12 मिडनाइट है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं जो नून और मिडनाइट की जो 2 पीरियड्स होते हैं, मीन्स 12 वाले 12 o'clock, तो वो किसी चीज़ से बिलोंग नहीं करते, तो हम उसको AM और PM नहीं लिखते। वी डू नॉट राइट AM PM विद दैम, हम उसके साथ AM PM नहीं लिखते, जस्ट नून एंड मिडनाइट और 12 नून एंड 12 मिडनाइट, हम सिर्फ ऐसे लिखते 12 नून एंड 12 मिडनाइट, ठीक है। तो देखो कैसे हो करेंगे, इसने बोला है मिड AM 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 और उसके बाद नून PM PM, ये बता रहा है रात को 12 बजे से, मिडनाइट।
रात को 12 बजे से AM स्टार्ट हो जाता है और दोपहर के 12 बजे तक AM रहता है। इसको ध्यान से देखो, रात को 12 बजे से क्या स्टार्ट हो जाता है, AM स्टार्ट हो जाता है। रात को 12 बजे मिडनाइट से क्या स्टार्ट हो जाता है, AM मीन्स एंटी मेरिडियन, मतलब बिफोर मिडे, ठीक है। और उसके बाद दोपहर को 12 बजे तक क्या रह जाता है, मतलब दोपहर को पूरे 12 बजे से पहले तक क्या रहती है, AM। जैसे ही 12 बजते हैं तो वो क्या बन जाती है, नून। क्या बन जाती है, नून, नून, ठीक है। वो नून से लेकर 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक क्या चलता है, PM। क्या चलता है, PM। 12 मिडनाइट से लेकर 12 नून तक चलता है AM, ठीक है। लेकिन 12 नून से जब 12 बज जाते हैं तो हम कहते हैं ना दोपहर हो गई है, तो 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक क्या चलता है, PM। क्या चलता है, PM। और ये मॉर्निंग वाला टाइम क्या होता है, AM। रात को 12 बजे से लेकर सुबह जो 12 बजे से पहले का टाइम होता है वो होता है AM। लेकिन जो 12 बजे से लेकर रात को 12 बजने से पहले तक का टाइम होता है वो होता है PM, ठीक है। देखो, एन एयरप्लेन स्टार्ट एट 4 PM एंड रीच अमेरिका एट 6 AM। सबसे पहले तो देखो, एन एरोप्लेन स्टार्ट 4 PM। PM का मतलब यहाँ पे क्या है, पोस्ट मेरिडियन। PM का मतलब क्या है यहाँ पे, पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। मतलब इवनिंग टाइम बता रहा है, PM का मतलब होता है इवनिंग से, और जो AM है तो वो मॉर्निंग से रिलेटेड है। तो स्टार्ट होता है एक एरोप्लेन 4 PM पे, इवनिंग टाइम पे, मतलब पोस्ट मेरिडियन टाइम पे। और 6 AM मतलब, AM मतलब क्या, एंटी मेरिडियन। और 6 AM पे वहाँ पे रीच करता है। हाउ लॉन्ग इज़ द जर्नी, तो वो कितनी लॉन्ग जर्नी है वो हमें बताना है। हाउ लॉन्ग इज़ द जर्नी, वो कितनी लॉन्ग जर्नी है हमें वो बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे, नून से मिडनाइट, नून से क्या करना है हमें, मिडनाइट पे जाना है। नून से मिडनाइट, सबसे पहले तो देखो PM बता रहा है वो, मतलब हमारा नून से हम लोग कहाँ जाए, PM वाला टाइम कौन सा होता है, 12 नून से 12 बजने में, रात से 12 बजे से पहले, मतलब 12 मिडनाइट से पहले का टाइम, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन वो सुबह 6 AM पे पहुँचता, मतलब 12 के बाद, रात को 12 बजे के बाद वाला टाइम क्या हो जाता है, AM। उसके बाद वो सुबह 6 AM पे रीच करता, तो कितना टाइम उसने जर्नी की। तो इसने दो स्केल बनाए हुए हैं, कैसे बनाए, जैसे 12 o'clock से स्टार्ट हुई हमारी मिडनाइट, ठीक है, और नून 12 o'clock से हमारी क्या स्टार्ट हुई, नून, क्योंकि PM की बात कर रहा है, PM 12 o'clock नून के बाद से स्टार्ट हो जाता है। 12 o'clock के बाद नून स्टार्ट हुआ तो वो कहाँ चला गया, 12 मिडनाइट तक, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 12 मिडनाइट से लेकर वो कहाँ चला गया, 12 मिडनाइट से लेकर कहाँ जाएगा, 12 नून से पहले तक। तो वो यहाँ पे 4 o'clock पे चला है PM पे, और सुबह रीच किया 6 पे, तो कितने आवर्स चला वो, देखो 4 पे वो चला ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 hours तो उसने PM वाले, मतलब 4 PM से 12 PM तक उसने, 12 मिडनाइट तक, मैंने कहा ना AM और जो 12 मिडनाइट या नून का होता है उसके साथ हम मिडनाइट या नून ही बताते हैं, ठीक है, AM PM नहीं, 12 मिडनाइट तक 8 hours, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या, नेक्स्ट डे 12 मिडनाइट तक वो पहुँचे, 12 मिडनाइट के बाद क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 AM पे पहुँचा, तो 6 hours उसने यहाँ से कवर किए, 8 hour यहाँ से कवर किए, 6 hour यहाँ से, 8 + 6 14 hours, टोटल कितने आवर्स लगे उसको जाने में, जर्नी पूरी करने में, 6 hours, कितने आवर्स, 6 hours। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करना है, फिर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। जैसे जो कंसेप्ट करेंगे, जैसे आज हमने 12 hour क्लॉक करी है, तो हम सबसे पहले 12 hour क्लॉक के ही क्वेश्चन करेंगे, फिर 24 hour क्लॉक करेंगे तो उसके क्वेश्चन करेंगे। तो हर एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे क्लियर करना, लेकिन हर कंसेप्ट को, टाइम वाले हर कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।